मुंबई में INDIA गठबंधन की तीसरी बैठक, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत 28 दलों के नेता शामिल, लोगों सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा। सीएम अशोक गहलोत का जुडिशरी पर हमला, कहा सुना है कई वकील लिखकर ले जाते हैं जजमेंट, देश को सोचने की जरूरत। INDIA गठबंधन पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, INDIA को बताया मजबूरी का गठबंधन, कहा देश चलाने के लिए दिल मिलने चाहिए दल नहीं। दिल्ली कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बने अरविंद सिंह लवली, अनिल चौधरी को जगह दी गई जिम्मेदारी। राजस्थान कांग्रेस में टिकटों का काउंटडाउन, उदयपुर पहुंचे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य, उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के नेताओं की बैठक। बाड़मेर में दर्दनाक सड़क हादसा, पैदल यात्रियों को कार ने मारी टक्कर, दो श्रद्धालुओं की मौके पर हुई मौत, रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे थे श्रद्धालु। राजधानी में ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, ट्रांसपोर्ट नगर की घाट की गुनी में तोड़े जा रहे ट्रैफिक नियम, निषेध होने के बावजूद टनल में धड़ल्ले से निकल रहे बाइक और तिपहिया वाहन। बाड़मेर में युवती के साथ मारपीट, जबरन शादी कर गैंगरेप की वारदात, गीड़ा थाने में मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश जारी, जबरन शादी का वीडियो वायरल। जैसलमेर में अर्जुन टैंक की दहाड़ से पाक बॉर्डर थर्राया, ब्राजील ने देखी भारतीय सेना की ताकत, फायरिंग रेंज में दिखाए एक से बढ़कर एक करतब। 12 के अंत में मामूली बात को लेकर चाकूबाजी, एक की मौत एक घायल, आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा। इटावा में श्रद्धा से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का पर्व, दुर्गा वाहिनी की बहनों ने चिकित्साकर्मियों और पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर लिया सुरक्षा का संकल्प, पुलिसकर्मियों और चिकित्साकर्मियों ने बहनों को दिया उपहार। कोटा के इटावा में मिशन ग्रीन टीम के सदस्यों ने पौधों की को राखी बांधकर लिया सुरक्षा का संकल्प, मिशन ग्रीन टीम ने इटावा क्षेत्र में लगाए हजारों पौधे, सदस्यों ने रक्षाबंधन पर राखी बांधकर लिया सुरक्षा का संकल्प। सिकराय के गीजगढ़ में होगा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, संकल्प ग्रुप गीजगढ़ द्वारा 2 सितंबर को रात 8 बजे किया जाएगा पाठ का आयोजन, सर्व हिंदू समाज कर रहा है प्रचार प्रसार। दौसा के रामगढ़ के पचावारा में झूला महोत्सव का आगाज, मंदिरों में सजाई गई झांकियां, दूर दराज से हजारों लोग आते हैं देखने, 200 सालों से चलती आ रही है झूला महोत्सव की परंपरा। खाजोवाला में जन आंदोलन को फिर से तेज करने की चेतावनी, 5 सितंबर के बाद फिर से संघर्ष समिति आंदोलन करेगी तेज, मंत्री गोविंद राम मेघवाल के आश्वासन के बाद शांतिपूर्वक चल रहा था आंदोलन। धौलपुर में बाइक सवार युवक पर जानवर ने किया हमला, हमले में युवक गंभीर घायल, अपनी बहन के घर राखी बांधने जा रहा था युवक, वहीं बाड़ी बसेड़ी रोड पर गांव धौसपुर की घटना। झुंझुनू के निजामपुर ओजडूब में युवक ने की आत्महत्या, पुलिस ने मृतक के शव को रखवाया चिड़ावा के मोर्चरी में, वहीं मामले की जांच की पुलिस। अनुपगढ़ की ग्राम पंचायत बेहतर जीबी में मनरेगा हाजिरी में बड़ा घोटाला, 5 मजदूरों की फोटो अपलोड कर दिखाई 10 लोगों की उपस्थिति, काम पर आए बिना ही लगाई जा रही है फर्जी हाजिरी। बालोतरा में केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने वाल्मीकि समाज की बहनों के साथ मनाई रक्षाबंधन का त्यौहार, वहीं वाल्मीकि समाज की बहनों ने चरण पादुका को धोकर किया पूजन, कलाई पर बंधवाया रक्षा। भरतपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, रास्ते में लाते वक्त बदमाशों ने भागने का किया प्रयास, पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश हुए घायल। 12 के अंत में चाकूबाजी की घटना में एक की मौत और एक गंभीर घायल, आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में किया हंगामा, पुलिस ने समझाइश कर करवाया मामला शांत। सिरोही के आबू रोड में लोगों ने से मिलकर युवक पर किया जानलेवा हमला, वहीं धारदार चाकू से सिर पर किया वार, युवक गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
नौखा में आपसी विवाद को लेकर युवक के साथ मारपीट। पिछले चार दिन पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने बदमाशों को अलग अलग जगह से किया गिरफ्तार। बालोतरा में ट्रेलर और ट्रैक्टर ट्रेलर के बीच में हुई भीषण भिड़ंत। हादसे में 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। झुंझुनू के अलसीसर में बीजेपी की जन आक्रोश सभा आज। महाराणा प्रताप मैदान में होगी जन आक्रोश सभा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे सभा को संबोधित। जयपुर में रेलवे की पटरी के पास मिला शव। गंगापुर सिटी निवासी आशीष कुमार शर्मा के रूप में हुई पहचान। जेब में मिला आईडी से हुई युवक की पहचान। वही सीबीआई फाटा के पास की घटना। सिरोही के स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन के पुरानी रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आया युवक। मौके पर ही हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली के सोजत में चंदलाई में रास्ता खुलवाने गई प्रशासन की टीम पर हमला। अतिक्रमणकारियों ने की प्रशासन पर पत्थरबाजी। तहसीलदार दीपक हंसांकला और महिला कांस्टेबल घायल। मामला दर्ज। अलवर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। टैक्सी गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में कांस्टेबल और ड्राइवर गंभीर घायल। यूपी पुलिस में कार्यरत है घायल कांस्टेबल। भरतपुर के जनसंपर्क सूचना कार्यालय में टला बड़ा हादसा। अचानक भरभराकर गिरा कार्यालय का छज्जा। काफी समय से जर्जर हालत में कार्यालय। झालावाड़ के बखानी में बेसहारा लोगों को हैप्पी किट का वितरण। रक्षाबंधन पर्व पर मनाने को लेकर कोऑर्डिनेटर रक्तदान समूह ने किया वितरण। बेसहारा के घर भी त्योहार की खुशियां मनाने के लक्ष्य से किया गया वितरण। जैसलमेर के रामदेवरा में जलदाय विभाग की पाइपलाइन लीकेज। व्यर्थ बह रहा पानी। विभाग को अवगत करवाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। लोगों को हो रही है परेशानी। टॉक में शिक्षकों के विरोध में उतरे ग्रामीण। बालापुर प्राथमिक स्कूल में ग्रामीणों का धरना। नामांकन कम होने से ग्रामीणों में आक्रोश। दोनों शिक्षकों को हटाने की मांग। बीकानेर में रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरू। ट्रेन का यात्रियों ने किया जोरदार स्वागत। लोको पायलट को माला पहनाई गई। श्रीगंगानगर में प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र की बहनों ने मनाया रक्षाबंधन पर्व। कलेक्टर अंशदीप तथा उनके परिवारजनों को राखी बांधकर उनके स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की कामना।